आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पूरा इसका गाइडलाइन पढ़ लेंगे, कौन कौन एलिजिबल है नहीं है, किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है, यहाँ पूरा प्रोसीजर बताया है। उसके बाद पढ़ लिख के हम नीचे ऊपर आएंगे, यहाँ डाउनलोड ईपिक कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑफिशियल साइट में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको अगर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र, इस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। मेरे पास बनाया हुआ है तो हम यहाँ अपना यूज़र आई डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे या ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ईपिक डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपका रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर चूज़ करके यहाँ डालेंगे और यहाँ से अपना स्टेट चूज़ करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेरे पास एपिक नंबर है तो हम अपना एपिक नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाएगा, अब मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद डाउनलोड ई एपिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज हमें मिल चुका है, ये आपका एपिक नंबर डाउनलोड हो चुका है। देखने में कुछ इस तरह का होगा, ये है मेरा, इसको हम अभी डाउनलोड कराए इसको। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।